इसके पीछे जो है इसके बैक साइड पे फैमिली की जगह है, वो जेंट्स की जगह है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगी टाउन बंगला बाज़ार में, और जिस रेस्टोरेंट पे हम मौजूद हैं, ये रेस्टोरेंट वैसे तो फेमस है अपनी बिहारी बूटी के हवाले से, तो ये तहजीब कबाब हाउस है। और यहाँ पर सुबह का नाश्ता भी बड़ा स्पेशल मिलता है, जिसमें कचौरी और पाए हैं जो यहाँ पर सुबह के नाश्ते में मिलते हैं। तो हमने यहाँ का विज़िट किया, हमने यहाँ पे नाश्ता भी किया और अच्छा नाश्ता है इनका। वैसे तो ये कचौरी के साथ चने की तरकारी भी देते हैं, लेकिन चने की तरकारी के साथ कचौरी इतना मज़ा नहीं करती जितना मज़ा कचौरी और पाए के साथ आता है। तो ये आम कचौरी नहीं है, इस कचौरी के अंदर भी दाल की फिलिंग की जाती है। तो किस तरह से ये तैयार होती है, कितने की सेल करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सर, औरंगी टाउन 15 नंबर मेन बंगला बाज़ार मेन स्टॉप के 4-5 दुकानों के बाद ही हमारी शॉप है। इसके अलावा हमारा नाश्ते का काम अल्हम्दुलिल्लाह 1986 और 87 से, जब से हमारा कबाब का आगाज़ हुआ उसके बाद से हमारे नाश्ते का भी आगाज़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक मियारी काम और एक अच्छा काम, और ये सारी चीज़ें आपने देखी आपके सामने। पहले नाश्ते में क्या मशहूर है? नाश्ते में हमारा पाया मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हमारे छोले का सालन जो होता है वो मशहूर है, हलवा हमारा मशहूर है, सबसे बढ़ के कि हमारी कचौरी बहुत मशहूर है, और इस कचौरी की फील्ड से ही जो है हमारा सारा काम हो रहा है। और इसके अलावा सेकंड टाइम में हमारे यहाँ दिन के 1 बजे के बाद जो है बिहारी कबाब, बिहारी बोटी, मलाई बोटी ये अवेलेबल होती है, और रात के हम लोग 1:30 बजे तक होते हैं यहाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह शाम के टाइम में भी जो है कबाब का मेयार बहुत अच्छा है। एक दफ़ा आएँ आप लोग, आके चेक करें। अच्छा, कचौरी बताइए कि ये आम कचौरी तो नहीं है, इसके अंदर कोई फिलिंग होती है, किस चीज़ की फिलिंग है? इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म का दाल लोग डालते हैं, लेकिन हम किसी और की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं कि हम कभी इसके अंदर जो है सेशन का हिसाब होता है। सर्दियों में हम इसके अंदर मूंग का इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों के टाइम में इसमें मूंग दाल का इस्तेमाल करते हैं, आम दिनों में इसमें मसूर का भी इस्तेमाल करते हैं, इवन ये कि आप खिसारी का दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 दालों का कम्बिनेशन है जो मौसम के लिहाज से इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, कितने की है कचौरी? एक कचौरी फिलवक्त तो भी 10 रुपये की है। सर, ग्रेवी का तो कोई पैसा नहीं होता, लेकिन अगर कोई शख्स अगर मांग ले कि भाई हमें 30-40 रुपये का दे दें तो हम उन्हें बढ़ देते हैं उसके अंदर, वरना इवन ये जब के साथ जो है वो हम आलू का सालन ही देते हैं, और वो अगर लोग अगर थोड़ा सा अगर वो कर जाएंगे तो ठीक है, भाई छोले का सालन भी ले जाए, तो इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, किस नाम से? सर, ये तहजीब कबाब हाउस के नाम से है सिंस 1986-87 और एंगी टाउन मेन बंगला बाजार 15 नंबर। पीछे जो है इसके बैक साइड पे फैमिली की जगह है, वो जेंट्स की जगह है, इतनी भी जगह है, मगर 2 साल के बाद ये मार्केट अलहमदुल्ला नहीं है। जी तो भाई, तो हमने पूरियाँ यहाँ पे मंगवा ली हैं और तकरीबन आधी से ज़्यादा तो खा भी चुके हैं, तो अब रिव्यू का टाइम है। और वैसे तहजीब कबाब हाउस यहाँ पे जो मशहूर है वो बिहारी कबाब है, लेकिन इस वक्त हमारी वीडियो बिहारी कबाब की नहीं है, सुबह का वक्त है, नाश्ते का वक्त है, तो नाश्ते की वीडियो है। और नाश्ते में इन्होंने हमें जो है वो पूरियाँ यानी कचौरी, पूरी तो ये लोग कहते हैं, वैसे तो ये कचौरी है, कचौरी है, इसके साथ पाए और चने। तो चने के साथ तो कचौरी मज़ेदार की नहीं लगी मुझे, मुझे जो मज़ा आया नाश्ते में वो कचौरी और पाए, तो रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड कचौरी के साथ पाए, वाकई अच्छा टेस्ट है। तो नाश्ते में अमूमन कराची के अंदर इतना हैवी नाश्ता मिलता नहीं है, आम तौर पर हलवा पूरी वगैरह ये मिलती है, लेकिन ख़ासकर औरंगी टाउन में और यहाँ तहजीब कबाब पे ये मिलती है कचौरी और साथ में पाए। तो अगर नाश्ता हैवी करने का मूड हो तो कचौरी और पाए ज़बरदस्त है। तो वैसे तो मैं खा चुका हूँ, मुझे टेस्ट इसका ज़बरदस्त लगा, अच्छा लगा, और इन्होंने पाए दिए हैं और पाए के साथ चने हैं, तो चने के साथ इतना मज़ेदार टेस्ट नहीं है जितना अच्छा टेस्ट जो है पाए के साथ आ रहा है। और ये पाए की ग्रेवी है, असल तो पाए इनके पास ख़त्म हो गए।
चलें तो वीडियो बताइएगा हमारी कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।